चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत सिकिद सुरक्षित वन के जतराही गांव के ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों और जवानों पर ग्रामीण महिलाओं और बुजुर्ग के साथ मारपीट कर घायल करने और 7 निर्दोष ग्रामीणों को फर्जी मुकदमा में फंसा कर जेल भेजने का गंभीर आरोप ग्रामीणों पर लगा है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल कार्यालय के प्रमुख द्वार पे महिलाओं और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करते हुए वन विभाग के विरुद्ध नारेबाजी कर जेल भेजे गए निर्दोष ग्रामीणों को बिना शर्त रिहा करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने बगैर पूर्व सूचना के न सिर्फ उनकी खेती बाड़ी पे रोक लगा दिया है बल्कि गाँव में घुसने के मुख्य रास्तों को भी खोद दिया है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताते हुए सुरक्षित वन भूमि पर योजना के तहत वृक्षारोपण के उद्देश्य से गड्ढा खोदने और घेराबंदी करते हुए टेंच लगाने की बात कही है। कटाई गिले गोले गोले ट्रेन फॉरेस्ट वाला भी रोड कट गिले है। प्लस में की मरनी जीनी आने जाने वाला रास्ता बहुत दिक्कत हो रहा है। गरीब लोग तो भूखा मारे लाइए है। खेत बाड़ी ट्रेन चुन कटाई गिले अब वन विभाग आ गई तो कम से कम वन विभाग के रोड भी देना चाहिए। अब रास्ता रोड से टका गले तो आदमी भूले चले कहाँ। मरनी जीनी एकदम बिल्कुल वही रास्ता से है। जीना भी मरना भी सब सही रास्ता से गुजर रहे लोग तो गरीब लोग जाए कहाँ। 6 आदमी के गाड़ी में डाल लिया है और वहाँ पर ही मारपीट किया है और ले आना है। और हम लोग के कहना है कि हमारे पूर्वज से रहा है, हमारे जल जंगल जमीन हमारा है, हम जान देंगे जमीन नहीं देंगे। का कि यहाँ रोड का दिक्कत है। हम लोग जिस रोड से आ जा रहे थे पूर्व हमको जब तक होश हुआ उस दिन से इसी रोड से आ जा रहे थे। अचानक ने फॉरेस्ट वाला आया और ट्रेंच काट दिया। ट्रेंच वो काट रहा था तो हम लोग सब गांव के आदमी उसको पास गए तो हम लोग का जबरदस्ती यहां से ले गया चतरा में रात भर रखा 6-7 आदमी का। उसमें उसके सुबह वो चालान काट दिया और जेल भेज दिया। वन में हम लोग कैंपा योजना के तहत वहाँ वनरोपण का कार्य चल रहा है तो वहाँ हम लोग का पीट किया हुआ था, कंटूर किया हुआ था। ये लोग अवैध कब्जा करने के उद्देश्य वो पीट और कंटूर को भर रहा था और जमीन को कब्जा करने जा रहा था। इसी के तहत हम लोग वहाँ से 7 आदमी को पहले हम लोग मना किए, वो लोग नहीं माना। वो लोग का उद्देश्य था कि हम लोग इसमें जोत खोड़ करेंगे, पौधा नहीं लगने देंगे। इसी के तहत 7 व्यक्ति को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की गई है।